आदाब दोस्तों, मैं हूं जावेद अनवर और आप देख रहे हैं तरकश। आज हम बात करेंगे परीक्षा की। जहां एक तरफ पूरे देश में जनता को कोरोना का डर सता रहा है, वहीं कॉलेज के छात्रों को इस माहौल में परीक्षा का डर है। परीक्षा कैंसिल ना होने से छात्र नाराज हैं। खैर, फिलहाल परीक्षा टाल दी गई है। जब बात परीक्षा की हो ही रही है, तो क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षा कहाँ होती है? ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि सारे अजीबोगरीब काम चाइना में होते हैं, इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा भी चाइना में होती है। इसका नाम है गाओकाओ। ये परीक्षा हाल ही में 7 और 8 जुलाई को चाइना में हुई है। इस परीक्षा में हाई स्कूल के करीब 1,07,00,000 छात्र मौजूद थे। इस परीक्षा में फैसला होता है कि कौन कॉलेज में दाखिला ले पाएगा और कौन नहीं। इस परीक्षा में चीनी भाषा, गणित और एक विदेशी भाषा से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा इतिहास, राजनीति, भूगोल, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे विषय अपनी रुचि अनुसार चुने जा सकते हैं और ये परीक्षा 2 से 4 दिन में पूरी होती है। सबसे पहले जानते हैं कैसे शुरू हुई ये परीक्षा। चीन में ये परीक्षा साल 1952 में शुरू हुई थी, लेकिन माओ जेडांग की सांस्कृतिक क्रांति की वजह से ये परीक्षा 1966 से 1976 तक नहीं हो पाई थी। इस परीक्षा को पास करना ही हर चीनी छात्र का एकमात्र लक्ष्य है। पहले जानेंगे इसकी कुछ खास बातें और फिर आपको बताएंगे क्यों इस दुनिया में इसे सबसे ज्यादा मुश्किल परीक्षा माना जाता है। नंबर 1, इस परीक्षा की तैयारी करना जंग की तैयारी करने के बराबर है। नंबर 2, प्री नर्सरी से ही इस परीक्षा को पास करने का दबाव होता है। नंबर 3, बच्चे के जन्म से ही माँ बाप इस तैयारी में लग जाते हैं कि कैसे उनका बच्चा गाओकाओ परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करे। नंबर 4, इसके लिए 12 से 13 घंटे पढ़ाई करनी होती है। नंबर 5, परीक्षा में एक दिन पहले परीक्षा स्थल पहुंचना होता है। नंबर 6, परीक्षा से पहले युद्ध के गीत गाए जाते हैं। नंबर 7, सीसीटीवी कैमरे से कड़ी निगरानी रखी जाती है। नंबर 8, कोई भी गड़बड़ी ना हो इसलिए GPS सिस्टम का भी इस्तेमाल होता है। नंबर 9, ड्रोन से भी रखी जाती है नजर। नंबर 10, कॉलेज में दाखिला लेने के लिए इस परीक्षा को पास करना बेहद जरूरी होता है। अब बात करेंगे गाओकाओ परीक्षा दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल क्यों है। गाओकाओ परीक्षा में दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतियोगिता होती है। इसमें हर साल करोड़ों बच्चे भाग लेते हैं, जिसके कारण टॉप यूनिवर्सिटी में अपनी जगह बनाने का दबाव सबसे ज्यादा होता है। जो ऐसा नहीं कर पाता उसे असफल माना जाता है। इस परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए चीनी सरकार कड़े बंदोबस्त करती है। इसकी तैयारी के लिए बचपन से ही कोचिंग दिलवाया जाता है। छात्रों के जीवन का एकमात्र लक्ष्य ये होता है कि वो गाओकाओ परीक्षा पास करें। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ये दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में गिनी जाती है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको सबसे मुश्किल परीक्षा किस विषय की लगती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।